एचएससी सीईटी एग्जाम बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, आप सभी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट जॉब, या जॉब से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एचएससी सीईटी को लेकर एक बड़ी खबर है, वीडियो अंत तक जरूर देखना। सीईटी के लिए जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। दोस्तों, इसके लिए 3 प्रश्न पत्र होंगे, 1 प्रश्न पत्र के 24 सेट जो है आपके बनाए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि चूँकि सीईटी का आयोजन एनटी ने करना है, इसलिए प्रश्न पत्र आंसर शीट का प्रकाशन ट्रांसपोर्टेशन बाकी जो सुपरवाइजर और परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक जो सीसीटीवी कैमरा अन्य इसका प्रबंध जो है एनटीए के द्वारा ही किया जाएगा। एनटीए तो आयोग अंतिम परिणाम की सूची देगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों में फिजिकली वेरिफिकेशन लगभग पूरी हो चुकी है। 5 जिलों में आपकी सीईटी की परीक्षा नहीं होगी, चरखी दादरी, रोहतक, जींद, नू और झज्जर जिले में। दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि क्या उम्मीदवारों को 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है परीक्षा के लिए, तो आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह कतरी ने बताया कि महिला और दिव्यांगों के लिए जो है आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, अन्य सभी के लिए जो है कंप्यूटर की रीडिंग से परीक्षा केंद्र जो है आपके चयनित किए जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि 5 और 6 नवंबर को 4 शिफ्टों में आपकी सीईटी परीक्षा होगी। सीईटी के लिए 3 प्रश्न पत्र एनटीए के द्वारा तैयार किए गए हैं, 1 प्रश्न पत्र के 24 सेट होंगे क्योंकि एक परीक्षा केंद्र में 24 उम्मीदवार होते हैं। इन सभी के पास जो प्रश्न पत्र होगा उनमें से सभी के ऊपर नीचे होंगे। उन्होंने बताया कि अगर किसी परीक्षा केंद्र में लगे कोई भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो उससे बचने के लिए दूसरा प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा ताकि परीक्षा को रद्द करना न पड़ सके। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।